सपा नेता आजम खान दिन ब दिन प्रशासनिक जाल में घिरते नजर आ रहे हैं। लगातार उन पर कार्रवाई की जा रही है। अब नया मामला सामने आया है। आजम खान पर उनके विरोधी डॉक्टर तनवीर अहमद खान ने आरोप लगाया है कि आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी के सामने करीब 700 लोगों की जमीन व मकानों पर RCC की दीवार बनाकर किया उनका निकलना बंद। DM से साक्ष्य के साथ डॉक्टर तनवीर अहमद खान की शिकायत। इस मामले में DM ने डॉक्टर तनवीर को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। डॉक्टर साहब, आप जो आज जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं, किस मुद्दे पर मिले आज? देखिए, आलियागंज जो यूनिवर्सिटी के सामने गांव है, उस पे सड़क के दूसरी तरफ सैकड़ों लोगों की, किसानों की जमीनें हैं। कुछ लोगों की है 50-60 घर की, तो उनके आवागमन को रोकने के लिए, किसानों को अपने खेतों पे जाने के लिए रोकने के लिए और अपने घरों में जाने से रोकने के लिए 3 फुट ऊंची कंक्रीट की दीवार वहाँ बना दी गई। वो 3 फुट ऊंची दीवार तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर तक बनी हुई है। उसमें लोगों को अपने खेतों में जाने में परेशानी हो रही है, दीवार कूद के उनको घरों में जाना पड़ रहा है। तो उस दीवार को तोड़वाने के लिए हमने ये पूछा है DM साहब से कि किस नियम के तहत ये दीवार बनवाई गई। अगर ये दीवार नियम विरुद्ध है तो इस दीवार को तोड़ा जाए और किसानों को राहत दी जाए कि वो अपने किस खेतों पर, अपने घरों में आराम से, आसानी से आ जा सके। तो इसी मुद्दे को लेकर आप आज जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात करने गए? जी हाँ, जिलाधिकारी साहब ने इसको जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लिखा है, तो वो ये एक्सप्लेन करें कि किस नियम के तहत ये जो है दीवार बनाई गई है, और अगर ये नियम विरोध है तो उसके तोड़ने की कार्रवाई शीघ्र की जाए।